बता दें, दिलीप कुमार के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि दिलीप कुमार जी के परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान को आने वाली पीढ़ियों के लिए याद किया जाएगा। तो ये राहुल गांधी ने उनको याद करते हुए ट्वीट किया है और आपको बता दें कि उन्होंने लिखा कि दिलीप कुमार जी के परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान को आने वाली पीढ़ियों के लिए याद किया जाएगा। ये राहुल गांधी ने दिलीप साहब को याद करते हुए ट्वीट किया और जिसमें इस बात का जिक्र भी किया कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमेशा उनको याद करेंगी, उनके काम को याद करेंगी और हमेशा उनसे सीख लेती रहेंगी। हर जगह शोक की लहर, बॉलीवुड हो या राजनीति, किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि दिलीप साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और अभी हमने आपको राहुल गांधी का ट्वीट, जो उन्होंने ट्वीट किया और उसमें ये जिक्र किया कि उनका चले जाना बहुत ही बड़ा नुकसान है पूरे देश के लिए और हर कोई उनको याद करेगा जिंदगी भर। आपको बता दें, पिछले 8 दिनों से ICU में भर्ती थे, उनको सांस लेने में तकलीफ थी और मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में वो भर्ती थे। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये कुछ वक्त पहले की है, जब उनको अस्पताल से छुट्टी मिली थी और उनको घर ले जाया गया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो इस तरह से चले जाएंगे। उनकी पत्नी आप देख पा रहे हैं सायरा बानो तस्वीर में, जो हर वक्त उनके साथ एक साये की तरह जुड़ी रही, अच्छे वक्त में बुरे वक्त में उनके साथ मजबूती से खड़ी रही। उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान उनके साथी का चले जाना। और दिलीप साहब की तस्वीरें, उनकी यादें हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं कि आज की जो सुबह है वो ना सिर्फ बॉलीवुड के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए दुख भरी एक सुबह है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक चमकता सितारा आसमान से आज टूट जाएगा। 98 साल की उम्र में दिलीप साहब का निधन हुआ है और तमाम जो युवा कलाकार हैं जो बॉलीवुड जगत में इस वक्त छाए हुए हैं, हर कोई दिलीप साहब से कुछ ना कुछ सीखता रहा है, चाहे वो बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान हो या सलमान खान हो, हर कोई उनसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। आप लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीरें देख पाते थे तो किस तरह से उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ की जाती थी। और दिवाकर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर। दिवाकर, आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं और अभी की क्या और अपडेट है दिलीप साहब के चले जाने के बाद? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिंदुजा अस्पताल में, जो खार इलाके में हिंदुजा अस्पताल है। ये दिलीप साहब के जो घर के बिल्कुल पास पड़ता है और जब उनकी तबीयत खराब होती थी उन्हें यहीं एडमिट किया जाता था। मैं आपको बता दूं कि 30 जून को दिलीप साहब जो है यहाँ इसी अस्पताल में, पीटी हिंदुजा अस्पताल में, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हुई थी उसके चलते उन्हें एडमिट किया गया था। लगातार जो जलील पार्कर हैं डॉक्टर, उनकी निगरानी में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन जब आज सुबह जो है जलील पार्कर ने खुद ही ये कंफर्म किया कि दिलीप साहब अब नहीं रहे, उनका इंतकाल आज सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास हो गया। दिवाकर, मैं आपको रोकना चाहूंगी और इस वक्त हमारे साथ जावेद अख्तर साहब जुड़ रहे हैं। अख्तर सर, आप बताएं कि कितना बड़ा नुकसान आज बॉलीवुड के लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, दिलीप साहब का जो कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में है और हिंदुस्तान की फिल्म एक्टिंग में है उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। और उनका असर उनसे कितने लोगों ने सीखा है, कितने एक्टर्स ने उनसे ज्ञान लिया है और अपने फन को निखारा है। मैंने किसी दूसरे एक्टर के बारे में सोच सकता है हिंदुस्तान के जिसने इतने लोगों को इन्फ्लुएंस किया हो और इतने जमाने तक उसका असर रहा और आज तक है। और एक मतलब दिलीप साहब के बारे में आप यही कह सकते हैं कि वो दिलीप कुमार थे, अब इससे ज्यादा आप क्या कहेंगे। और हरान जो आया है वो कभी जाएगा, लेकिन ये कि कुछ लोग होते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए हमारी यादों में रह जाते हैं, जिनका सिखाया हुआ सबक जो है वो हमेशा लोगों के काम आता है।
और बहुत बहुत महान कलाकार थे, बहुत महान कलाकार, उनका न होना एक बहुत दुख की बात है। जावेद साहब, जिस तरह से आपने बताया एक महान कलाकार और अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन, और उनका ये चला जाना इस तरह से, जो जगह खाली हुई है वो तो अब शायद उस जगह का भरना नामुमकिन होगा। वो जगह तो खाली होती हैं और फिर कभी नहीं भरती, फिर कुछ दूसरे लगाते हैं, कुछ और काम करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन क्या होता है कि एक कुछ लोग होते हैं जो एक ऐसा काम करते हैं जो पहले कभी हुआ ही नहीं था, और फिर उसे दूसरे लोग सीखते हैं। यूसुफ साहब अपनी तरह के दुनिया में पहले आते थे, और जिस तरह से उन्होंने काम किया, जो उसके काम का तरीका था, जो वो प्रोजेक्ट करते थे, वो उससे पहले सदमा में नहीं था। और अब ये है कि क्योंकि हिंदुस्तान में हुआ तो बहुत जगह लोगों को खबर नहीं हो पाई, लेकिन हकीकत ये है कि वो अपने ढंग के दुनिया के पहले अदाकार। दूसरे मुल्कों में भी लोग हुए, फिर जैसे कहते हैं एक मेथड स्कूल ऑफ एक्टिंग, लेकिन ये पहले एक्टर थे जिन्होंने उस तरह से काम किया। और उनको मैं समझता हूँ बहुत नाम, बहुत शोहरत, बहुत पॉपुलैरिटी मिली। लोग एक वक्त था कि जब लोग दिलीप कुमार से कसम खाते थे, दिलीप की कसम ऐसे करके बात करते थे लोग, लेकिन ये के फिर भी मैं समझता हूँ कि दुनिया को आज भी नहीं मालूम है कि ये पहिया दुनिया में सबसे पहले बनाया किस चुका। बेहद अहम ये जानकारी आपने बताई। जावेद साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि कोई ऐसी याद उनके साथ जो आपकी जुड़ी हो, जो इस वक्त आपके जहन में आ रही हो। गजारे कितनी उनसे, हम लोग तो है सलीम साहब हो, मैं हूँ, दोनों बहुत ही उनके समझिए परिश्तार थे, फैन, एडमायरर, और हमारे लिए तो बड़ी इज्जत की बात थी कि हमने जब उनके साथ से लोगों का काम भी किया, और उनसे भी हमको इतनी मोहब्बत और इतनी इज्जत भी मिली है। हम उनसे बहुत छोटे थे, लेकिन वो हमें इतना मान भी देते थे कि कोई हद नहीं। और उनसे उससे हमने, मैं तो समझता हूँ एज़ अ राइटर भी हमने सीखा है कि जब उनकी एक्टिंग हम देखें कि किस तरह वो इस सीन को करते हैं, तो राइटर को ये भी समझ में आता है कि सीन लिखना किस तरह चाहिए। तो बहुत उनसे बहुत करीबी ताल्लुकात और बहुत मोहब्बत रही हमारे हमेशा। और मैंने कई पिक्चर, शक्ति है, दुनिया है, मशाल है, क्योंकि मशाल में एक सीन था जहाँ वो महिदा जी जो उनकी बीवी का रोल कर रही थी, वो बीमार हो जाती है सड़क पे, बेहोश होकर गिरती है, और ये किसी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कोई गाड़ी कोई टैक्सी रुकता है। तो आज भी वो जो दिलीप साहब के ये यूट्यूब पे आते हैं बेस्ट सीन जिंदगी के, उनमें वो सीन आते हैं।